हम कच्छ गुजरात से आए हैं घूमने के लिए। सोचा था यहाँ आरू वैली भर जाएंगे, लेकिन ये नज़ारा कुदरत का आ गया। बहुत सारी बर्फ गिरी है, हम लोग खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर कोई कहे कि जन्नत कहाँ है, तो हम बोलेंगे ये पहलगाम और कश्मीर ही इस दुनिया में जन्नत होगी, इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। और यहाँ के लोगों का रहन सहन आपके बहुत बढ़िया है। देखो, मैं ये दिल से कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत बड़े हैं, प्यारे हैं, बहुत प्यार मिला है। और इन जो मीडिया दिखाता है गलत चीज़ें, उनसे आप इम्प्रेस ना हो और यहाँ आके मजा लो। हम 3 दिन से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी टूरिस्टों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? हाँ, टूरिस्टों के लिए हम ये कहेंगे कि आप प्लानिंग से आइए और प्यार से रहिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आएंगे तो ये वादी लाइव हो जाएगी। हम लोग यहाँ कश्मीर में घूम रहे हैं, हम जो देख रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है। जो मीडिया में दिखाया जाता है कि यहाँ ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी बहुत प्यारे हैं। आइए अभी देखिए ये नज़ारा, आज जो हम देख रहे हैं। मेरे को 51 साल हो गए, मैं कई जगह भी घूम के आया हूँ, जैसे हिमाचल में, मनाली में, केदार में, हर जगह भी गया हूँ। पर यहाँ जो बर्फबारी मेरे किस्मत में हुई, जो मुझे मिला, आज ऐसा होता है कि जैसे मेरा जिंदगी धन्य हो गया। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है। लोग भी प्यारे हैं, अच्छा है। होटेलियर्स हों या फिर दूसरे कोई हों, हमें बहुत प्यार देते हैं। यहाँ आइए, हम तो बोलेंगे कि कश्मीर में आइए, ये कश्मीर रियल में जन्नत है। बिल्कुल जन्नत है और है। मीडिया जो दिखा रहा है उस पर मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3 दिन से यहाँ हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि जैसे कोई ये हुआ वो हुआ इंडिजिनस हुआ, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया है, हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ इस टाइम पे आने का मौका मिला हमको।